वेलकम टू माय चैनल आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के लास्ट चैप्टर गोइंग प्लेसेस के इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको जैसे कि पता आपके लिए सी बी सैम्पल पेपर में गिवन है हमारे को एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और वो एक्सट्रैक्ट ऐसे डायरेक्टली वन वर्ड फॉर्म में नहीं है वन लाइन आंसर फॉर्म में नहीं एक्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं एमसीक्यू फॉर्म में तो उन्हीं को आज हम कवर करने वाले ऐसे हमने फिल्मिंग बुक के सभी चैप्टर्स एंड पोएम्स के एमसी्यू एक्सट्रैक्ट कवर कर लिए हैं अगर आपको वो पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेज गिवेन है एक्सट्रैक्ट एमसीक्यू की शॉर्ट आंसर की लॉन्ग आंसर की जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड गोन वॉच इट

जरा बाहर आ जाओ अपने ड्रीम वर्ल्ड में से हमें कुछ समय बाद वह बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना है ऐसी बातें करते करते सोफ़ी कुछ नहीं सुन रही थी अपने दोस्त की इनफैक्ट वो कहती है मैं अब एक्ट्रेस बन जाऊँगी और ज़्यादा पैसा कमा लूँगी फिर बुटीक साइड बाई साइड ओपन कर लूँगी और उसका घर आ जाते हैं वो अपने घर चली जाती है और फिर बोलती है कि जब मेरे पे पैसा आएगा मैं बुटीक खरीदूँगी बुटीक बनाऊंगी तो उसके फादर क्या बोलते हैं बेटा कभी पैसा आए तो हमारे लिए एक अच्छा घर खरीद लेना और उसका छोटा भाई फिर क्या बोलता है इसको लगता है पैसे पेड़ पर पे उगते हैं और मदर उसकी साइड में जो है अपना काम कर रही होती है और वो एक गहरी सांस लेती है वो बहुत थकी हुई होती है क्योंकि वो पूरे दिन घर का काम करती रहती थी ये वो वाला एक्सट्रैक्ट है इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन देखते हैं ये आगे पूरा एक्सप्लेन कर रखा है मदर साइड सोफी अपनी मदर को जब देखती है, तो उनकी बैक क्रुकेट होती है यानी कि वो झुक के कुछ काम कर रही होती हैं और उस समय भी उनकी हालत कैसी बताई गई होल्ड वर्क उसके घर में अंधेरा हो रहा था जो है घर में पूरा धुआं फैल रहा था फैला हुआ था पूरा घर उसका और उसको बहुत आ, मतलब कैसा फील होता है उस घर में फ्रस्ट्रेटेड उसे सांस नहीं आती है उसे ऐसा फील होता है अरे मैं कैसी जगह में रह रही हूँ और दम घुटता है उसका तो अपने तो भाई के कमरे में चली जाती है तो ये वो वाला एक्सट्रैक्टर इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सोफीज पेरेंट्स बेस्ड ऑन द गिवन अब अब सबको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो फादर एंड मदर का जो है हमें एटीट्यूड दिखा रहा है कि वो कैसा फील कर रहे हैं अब उनकी मदर कैसी है आप समझ सकते हैं उन्होंने गहरी सांस ली वो बहुत थकी हुई हैं बहुत परेशान है वो डिप्रेस्ड है आप ये कह सकते हो ना वो अपनी बेटी की बात सुन के उन्होंने उसमें क्या करा शी जस्ट टू किस आए अपने काम में लगी हुई है वो बहुत ओवरबर्डन है डिप्रेस है फादर कैसे हैं फादर क्या है वो जिस घर में रह रहे हैं वो उसी घर में जो है वो खुश नहीं है ऑब्वियसली क्योंकि वो घर उनके लिए छोटा होगा और बहुत ही फैला हुआ है उस समय पे वो भी चाहते हैं उनके ज़्यादा पैसा उनको नया घर मिल जाए तो वो जिस घर में रह रहे हैं उससे अटैच्ड नहीं है गाइस ठीक है वैसे लोग हाँ, घर क्या होता है कि घर भैया सबसे प्रिय होता है एक इंसान को बट ये स्टेटमेंट बढ़ के आपको समन कि उसके फायदा नहीं किया पैसा आएगा तो बेटा नया घर खरीद लेना दैट मीन्स वो अपने घर में खुश नहीं है प्रॉब्लम्स हैं उनको अपने घर में रहते हुए तो लेट सी द क्वेश्चन का जो हमें ऑप्शन गिवन है चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट सोफीज पेरेंट बेस्ड ऑन द गिवन अबाव एक्सट्रैक्ट सोफीज़ पेरेंट्स मैरिज वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ हारमोनी एंड अफेक्शन तो ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट हमें कुछ उनके मैरिज से रिलेटेड जो उसके फादर मदर की है उससे कुछ नहीं समझा रहे कि उनकी मैरिज कैसी है हैप्पी मैरिड लाइफ है या नहीं है सब कुछ हमें एक्स्ट्रैक्ट नहीं बता रहा तो ऑप्शन नहीं हो सकता सो रिलेशनशिप विद अ पेरेंट वो वॉर्म एंड फ्रेंडली उसकी अपने मदर फादर से रिलेशनशिप बहुत वार्म था बहुत खुश था और बहुत ही फ्रेंडली था ऐसा भी कुछ नहीं है सोफी ने तो कुछ बात ही नहीं करी अपने पेरेंट्स से वो तो बस अपनी बात बोल के निकल जाती है सोफ़ी इज मदर वॉज सब ड्यूड सब ड्यूड मतलब रिलेटेड टू डिप्रेस सैड समथिंग लाइक दैट बहुत ओवरबर्डन वाइल हव फादर वॉज डिटैच्ड उसके फादर डिटैचड थे अगला पढ़ते हैं सोफी एंड अ ब्रदर डिडेंट लाइक टू स्टे विद देयर पेरेंट्स ये भी बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी वन ही बैठ रहा है सब ड्यूड उसकी मदर थकी हुई थी परेशान थी डिप्रेस थी अपनी सिचुएशन से और इनफैक्ट उसके फादर अपने घर से डिटैच थे गाइज कि वो जिस घर में रह रहे थे वो नहीं पसंद कर रहे थे वहाँ पे वो चाह रहे थे कि अच्छा कभी पैसे आएंगे तो नया घर हम ले लेंगे तो करेक्ट आंसर विल भी सीवन और बाकी कोई ऑप्शन तो सही बैठता ही नहीं है तब भी सीवन होगा नेक्स्ट पे चलते हैं चूज द ऑप्शन दैट सपोज द कंटेशन कमिंग थ्रू डायरेक्ट जो डायरेक्ट ने ये बात बोली शी थिंग्स मनी ग्रोज ऑन ट्री डोंट शी डैड ये क्या दिखा रहा है डायरेक्ट थॉट हिज सिस्टर टू बी अनरीजनेबल अटेम्प्ट वो कहना चाह रहे हो उसकी बहन अनरीजनेबल है डेरेक हैड नो फेथ इन सोफीज एबिलिटी उसे सोभी की एबिलिटीज पे भरोसा नहीं है डेरेक थॉट ऑफ हिज सिस्टर एज समन हुआज नॉट रियलिस्टिक डेरेक ये कहना चाह रहा है कि मेरी बहन असलियत में बिलीव नहीं करती है या डेरेक वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट सोवीज हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग तो करेक्ट आंसर ये है कि वो उसको ताना मार रहा है कि ये रियलिस्टिक नहीं है कैसी बातें कर रही है हाँ वैसे तो पेड़ पे उगते हैं यानी कि वो रियलिस्टिक ये उसको एक आईना दिखा रहा है कि जो तुम बोल रही हो वो पॉसिबल नहीं है तो डेरेक थॉट ऑफ हिज सिस्टर एज समन हुआज नॉट रियलिस्टिक यही काम उसकी फ्रेंड सोफी भी कर रही थी वो भी उसे ये दिखाना चाह रही थी कि तुम तो रियलिस्टिक रहो अभी हम बड़े हो गए हैं अभी हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करने जाना है ऐसी बातें सोचना बंद कर दो स्कूल भी अब हमारा एंड होने वाला है तो करेक्ट आंसर सी वन होगा इट कुड बी इन्फर्ड दैट दट मदर मतलब स्टेटिक यानी कि बहुत थकी हुई थी एंड बर्डन थी कैसे ऐसे ऑप्शन है जो दिखा रहे हैं हाँ मुझे वो बर्डन थी एंड ऑल हर साय जो उन्होंने कह रही सांस ली हर डेलिकेट वो जो बंदा हुआ था उनका जो है एपरेंजेस से हर एप्रेंस स्ट्रिंग हर, हर क्रिकेट बैक वो जो झुकी हुई उनकी बैक थी तो करेक्ट आंसर होगा उन्होंने जो गहरी सांस ली ए वन एंड डी वन जो उनकी छुकी हुई कमर थी यानी कि वो बहुत ओवरबोयेंट थी काम से वो हर समय काम करती रहती थी घर का कभी कोई काम कभी कोई काम तो करेक्ट तो आंसर विल बी डी वन फर्स्ट एंड फोर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम सोफी फेल्ट फेल्टर टाइटनिंग इन हर थ्रो तो उससे सफोकेटेड फील होता है अपने घर में तो आपको वो ऑप्शन जो है टिक करने हैं जो सोफ़ी की फीलिंग्स सो उस समय पर दिखा रहे हैं वो एनशियस थी यानी कि होने में घबराहट होना एनॉयड थी चिड़ जाती है मतलब अनईजी हो रही थी या टेरिफाइड थी तो करेक्ट आंसर विल बी वो एनजीओ से घबराहट होने लगती है एंड थर्ड वन दैट वो अनईजी होने लगती है यानी कि उसे वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो वन एंड थ्री कहाँ पे कि मैंने ऑप्शन ए में तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन ए टेफाइड अपने घर में डर थोड़ी रही थी वो और ऐसे नहीं कि वो किससे इरिटेट हो गई थी वो बस उस सिचुएशन में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रही थी तो उसे घबराहट होती और वो वहाँ अनकंफर्टेबल फील करती तो करेक्ट आंसर वन एंड थ्री दैट इज ऑप्शन नंबर ए अब हम चलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट uh, क्वेश्चन आ गया हमारा चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द पॉसिबल टाइटलर जस्टिफिकेशन फॉर द चैप्टर गोइंग प्लेसेस अब टाइटल जो है हमारा गोइंग प्लेसेस वो क्या जस्टिफाई करता है ये चार ऑप्शन आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ये है जो बता रहा है कि हाँ भैया चैप्टर में ये सब हुआ है इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ गोइंग टू वॉच दुटबॉल गेम ऑन अ रेगुलर बेसिस गोइंग प्लेसेज टाइटल इसलिए रखा गया क्योंकि गोइंग प्लेस टाइटल ये दिखा रहा है कि एक फैमिली को रोज रोज फुटबॉल मैच देखने जाते हैं क्या यह मतलब है गोइंग प्लेसेस का नहीं है मतलब नहीं है गोइंग प्लेसेज का नेक्स्ट इट एक्सप्रेसेस सोफीज डीपेस्ट डिजायर टू गो आउट विद डैनी कैसी गोइंग प्लेसेज ये दिखाना चाह रहा है कि सोफी डैनी कैसी के साथ घूमने जाना चाहती है नेक्स्ट इट इज़ अबाउट अ गर्ल नेम सोफी ये एक लड़की के बारे में है जिसका नाम सोफ़ी है हु इज एन आइडियलिस्ट एंड ऑफन नीम्स ऑफ गोइंग टू वेरियस प्लेसेज ये है राइज मैंने आपको समझाया भी था कि गोइंग प्लेसेज चैप्टर का नाम क्या है ऐसा नहीं है कि सोफी एक्चुअली में कहीं जा रही है सोफी कहीं नहीं जाती बस एक फुटबॉल मैच देखने जाती है स्कूल जाती है स्कूल से घर आती है कभी कभी वॉक पे चली जाती है बट अपने दिमाग में वो बहुत जगहें जाती है कभी किसी से मिलती है कभी किसी से मिलती है डे ड्रीमिंग बहुत करती है कभी अपने भाई के साथ सोचती है कि हम कहीं घूमने जाएंगे बाइक पे बैठ कर कभी सोचती है मैं डैनी कैसी से मिली कभी सोचती है मैंने जो है ये हुआ वो हुआ मैंने बुटीक खोल लिया मैं एक्ट्रेस बन जाऊँ तो यहाँ बात हो रही है सोफ़ी के माइंड में जो जो जगह वो घूमती है उसकी बात हो रही है तो करेक्ट आंसर थर्ड वन है अभी कि थर्ड वन हमारे टाइटलकल जस्टिफाई करना है गोइंग प्लेस मतलब एक लड़की की कहानी जिसका नाम सोफ़ी है जो आइडियलिस्टिक है जो बहुत इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है न ई डेल्ड एक्सप्रेशन दैट प्रेफर्स टू सोफी गोइंग अहेड इन हर करियर ट्राइंग टू बीट पॉवर्टी ये एक तरीके का मुहावरा है जो दिखा रहा है कि सोफी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि मैं भी एक दिन अपनी पॉवर्टी को बीट करके कुछ बड़ा कर सकूं अपने करियर में तो यस ये भी है गोइंग प्लेसेस ये दिखा रही है कि सोफ़ी जिस सिचुएशन में अभी रहती है वो उससे कहीं आगे बढ़कर जाना चाहती है तो करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड एंड द गाइज फोर्थ वन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यानी कि हमारा आंसर सी वन होगा जो टाइटल हमारा गोइंग प्लेसेस क्या दिखा रहा है एक लड़की है वो ड्रीम करती है आइडियलिस्टिक है वो दिखा रहा है और ये नेक्स्ट वन फोर्थ वन चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप हम अपने अगला क्वेश्चन है ऑन सैटरडे दे मेड दियर वीकली पिलग्रमेज टू वॉच यूनाइटेड सोफिया एंड एंड फादर सोफी एंडर द गोल जी ऑफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मेट्स अप तो वो जब मैच देखने जाते थे सोफिया उसका भाई वो सब नीचे वाली सीट्स पे बैठते थे भाई ऊपर अपने दोस्तों के साथ बैठे विजिट टू द मैच वाज लाइक अ वीकली पिलग्रमेज रेफर्स टू वीकली पिलग्रमेज मतलब क्या है वीकली मतलब क्या है कि वो हर बार ही जाते हैं हर हफ्ते जाते रहते हैं मतलब तो रिपीट करते हैं वो इस चीज़ को तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज अ फैमिली दिखा रहा है कि उनकी फैमिली बहुत बॉन्ड है इकट्ठे घूमते फिरते हैं लव फॉर अ फिक्स रूटीन वो काफ़ी फिक्स रूटीन को प्यार करते हैं सिमिलर फीलिंग्स ऑफ डिवोशन या एक्साइटमेंट फॉर द मैच तो कहें एग्जैक्टली पिलग्रमेज वर्ड लिख दिया है बार बार जो ये फुटबॉल मैच देखने जा रहे थे इस चीज़ को हमारे ऑथर ने बिल्कुल पिलग्रिमेज रखा है पिलग्रिमेज क्यों लिखा पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ पिलग्रिमेज तो तीर्थ यात्राओं पर होती है ना तीर्थ स्थल पर जाना तो तीर्थ स्थल पर कब जाते हैं जब आप पर्टिकुलर तीर्थ स्थल जा रहे हो यू हैव डिवोशन डिवोशन के साथ मन में डिवोशन दे हम कहीं जाते हैं तो वीकली पेल मतलब क्या है कि ये जो ये लोग थे इनके मन में वैस डिवोशन था बहुत ज़्यादा उस मैच के लिए उस फुटबॉल मैच के लिए ये काफ़ी डिवोटेड थे काफ़ी ज़्यादा उसमें इन्ग्रॉस रहते थे तो करेक्ट आंसर विल बी सिमिलर फीलिंग ऑफ डिवोशन ठीक है देखते बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ अजर्शन गिवन है और दो रीज़न गिवन है आई थिंक उसमें मैंने पहली बार ऐसा क्वेश्चन गिवन है दर्शन रीजन का देखा होगा तो जिसमें दो रीज़न गिवन है पढ़ लेते हैं इसको अजर्शन क्या है जी ऑफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हाईरोप अजर्शन बिल्कुल ठीक है वो ऊपर वाले जो स्टैंड होते थे वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ जाता था चिल करता था ठीक है अब ये रीज़न बताए गए हैं दो कि क्यों वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठता था अपनी बहन के साथ नहीं बैठता था ऊपर अपने दोस्तों के साथ जाके बैठता तो क्या रीज़न है उसके रीजन गिवन है वन वाला जियॉफ वॉज नॉट वेरी क्लोज टू हिज फैमिली एंड लिव इन हिज ओल्ड वर्ल्ड तो वो ऊपर जाके इसलिए बैठते अपनी फैमिली से दूर क्योंकि वो अपनी फैमिली बहुत क्लोज नहीं है वो अपनी ही दुनिया में रहता है रीज़न टू गिवन है जी ऑफ वॉज रूड एंड इन डिफरेंट टू एवरी वन अराउंड हिम एंड डिट केयर अबाउट एनी वन एट ऑल तो ऐसा नहीं है वो कितना केयर करता था अपनी बहन की उसकी बातें भी सुन रहा है मनगरन कहानियां अपने पापा को भी बता रहे हैं उस कहानी के बारे में उनसे भी बात कर रहा है कि हाँ नहीं डैनी कैसी की कैपेबिलिटी इतनी तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फैमिली मेम्बर से रूड है एंड ऑल दैट नहीं उसकी अपनी दुनिया वो वहाँ रहना पसंद करता है तो रीज़न वन जो है सही है हमारे इससे रिलेटेड रीज़न टू हम इन्फर्ड नहीं कर सकते तो इन्फर मतलब नहीं चल जाता इसके साथ में तो एजर्शन का रीजन क्या है कि जे ऑफ इतना क्लोज नहीं था अपनी फैमिली में अपने ही वर्ल्ड में रहता था तो दोस्तों के साथ जाके बैठा है तो करेक्ट आंसर होगा हमारा पी वन रीजन वन कैन बी इन्फर्ट बट रीजन टू कैन नॉट बी इन्फोर्ट फ्रॉम द दर्शन ऐसा नहीं है कि वो रूड था एंड डिफरेंट था टूवर्ड्स तो तो एवरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सोफी ग्लोड विद प्राइड हर प्राइड इज द रिजल्ट ऑफ सोफी एकदम से प्राइड में ग्लो करती है उसका प्राइड का क्या रीजन था बिलोंगिंग टू अ रीजन वेयर एवरी वन थाट डैनी कैसी हीरो रीज़न में वो रहती थी जब डैनी कैसी को सब हीरो मानते थे इसलिए वो ग्लो कर रही थी खुशी से बहुत प्राउड फील कर रही थी वॉचिंग हर फादर चीयर्ड इन सपोर्टिंग डैनी कैसे उसने देखा कि उसकी फादर डैनी कैसे को सपोर्ट करे इसलिए द इन्फॉर्मेशन शी गैदर्ड फ्रॉम अर बर्दर अबाउट डैनी आर बींग एन एविड फैन एंड हर सेंस ऑफ क्लोजनेस विथ डैनी तो करेक्ट आंसर जैसे डैनी गोल करते हैं तो भैया सूफी बड़ा प्राउड फील करने लगते हैं तो इसका रीजन ये था कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन थी और वो उसको अपने से बहुत क्लोज उससे लगता था मैं रोज़ मिलती हूँ डैनी के ऐसी से मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है तो उसको इसलिए लगा अरे वाह मेरी दोस्त ने गोल मार दिया है तो करेक्ट आंसर डी वन बींग एन एविड फैन एंड हर सेंस ऑफ क्लोजनेस विद डैनी तो उसको ऐसे मन से बड़ी खुशी होती कि हाँ भैया डैनी ने गोल मारा है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं चूज द ऑप्शन लिस्टिंग द सिचुएशन इन विच वन वुड बी इसकेटे भाई बहुत ही ज़्यादा खुश इससे ऊपर की खुशी तो हो ही नहीं सकती मतलब कि तुम पर सारे दोस्तों को क्या दो तो भाई पिज्जा आज मेरी तरफ से ऐसी वाली खुशी तुम्हारे को जाए ऐसी कौन सी सिचुएशन है मैनी पीपल कैन रिलेट दिस तो बताओ जरा ऐसी कौन सी ऐसी एस्केटिक फीलिंग आपको कब आएगी इन चारों सीनाओस में से पहला सिनेरियो की मैंने गोइंग तो टू एन ओल्ड एज होम एंड डिस्निंग टू देम शेयर स्टोरीज फ्रॉम द फास्ट ये सुनकर आपको एस्केटिक फीलिंग आएगी गर्स हाँ ये सुन ये सिचुएशन में वी वे वील वेरी हैप्पी बट साथ ही के साथ इस समय बहुत हम इमोशनल भी होंगी क्योंकि हम ओल्ड एज गए होम गए हैं और वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे लोग रह रहे हैं और अलग रहना पड़ा उन्हें अपनी फैमिली से तो यहाँ पे हम इमोशनल भी बहुत ज़्यादा होंगे स्केटिक नहीं होंगे स्केटिक होंगे बहुत खुश हो ऐसे खुशी से पागल हो रहे झूम रहे हो खुशी में ये नहीं होगा आप वहाँ जाके इमोशनल लोगों से बहुत कनेक्ट करोगे बहुत ही ऐसा फीलिंग होगी आपको जब आप किसी ओल्ड एज होम में जाओगे और बड़े लोगों से मिलोगे तो आप उनसे बहुत कनेक्टेड फील करोगे ऐसा नहीं आप खुशी से झूम उठोगे यू फील इमोशनल ठीक है ऐसी फीलिंग आएगी उस समय में मे बी इवन यू विल क्राई उनकी स्टोरीज को सुनकर उनकी पुरानी करके आप क्राई भी कर सकते हो तो एस्केटिक नहीं होंगे आप इस समय पर नेक्स्ट बींग सीटेड नेक्स्ट टू योर फेवरेट पॉप सिंगर ड्यूरिंग अ शॉर्ट फ्लाइट ये है भाई एक्सकेटिक एक सिंपल सी चीज़ है कि आप जा रहे हो एक शॉर्ट फ्लाइट में इमेजिन करो तुम्हारे फेवरेट पॉप सिंगर कोई भी सिंगर हो सकते हैं वो आपके फेवरेट आइडल हो सकते हैं आपके बायस हो सकते हैं कि आप जा रहे हो फ्लाइट में और भाग के बराबर में बैठे हो तो क्या होगा यही तो है एस्केटिक फीलिंग भाई तुम तो खुशी से पागल हो जाओगे कि ओ माई गॉड ये क्या हो गया मेरे साथ बिलीव ही नहीं हो रहा है यही होगा ठीक है सीनेरियो थ्री भी पढ़ लेते हैं हम सीनेरियो थ्री के गोइंग टू अ डॉग शो एंड लूजिंग योर पेट क्या इस चीज से आप खुशी से झूम उठोगे कि डॉग शो में और पेट खो गया भाई रो देंगे हम परेशान हो जाएंगे ठीक है सिनारियो फॉर कमिंग होम एंड फाइडिंग देयर आर इलेवन मैसेजेस फ्रॉम यो ये देखो क्या क्वेश्चन बनाया सी बी एस ई ने कि ये इस सिचुएशन में कौन एस्केटिक होगा यानी कि खुशी से झूमेगा कि आप घर आए हो और 11 मैसेजेस आए हैं प्रिंसिपल सर के इन योर ईमेल बॉक्स इससे हमारे को डर के हमारे बिल्कुल रेड फेस हो जाएगा कि क्या करे क्या ना करे तो एस्केटिक सिचुएशन क्या होगी दैट यू आर बीइंग सीटेड नेक्स्ट टू योर फेवरेट पॉप सिंगर ड्यूरिंग अ शॉर्ट फ्लाइट इससे ज़्यादा एस्केटिक क्या होगा कि भाई जिनको आप पसंद करते हो जिनको आप इतना मानते हो जो आपके बायस हैं उनसे आप एक शॉर्ट फ्लाइट में मिल रहे हो सबके साथ ऐसा हो तो उसे नैरो नंबर टू चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ठीक है तो करेक्ट आंसर विल बी द बी वन आप तो पर्पल से मार ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम तो विद दिस आ, हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया है और ये वाला एक्सट्रैक्ट आप लोगों का होमवर्क एक्सट्रैक्ट है आंसर अगर आपको नहीं आएंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो और सब बच्चे कॉमेंट बताएंगे एक दूसरे के कॉमेंट में से भी देख सकते हो सोफी यू हर हेक stopped over this thing and wondered the incongruity of the delicate bow which fastened her apron string ये बात तो डिओ सफी की मदर की जब वो वहाँ काम कर रही थी वहाँ पे कुछ बर्तन को धो रही थी सिंह के पास में तो वो देखती है उनको परेशान हो जाती है द डेलीकेट सीमिंग बो एंड द क्रिकेट बैक द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैक windows द उसे अपने घर में सवोकेटेड फील होता है हु इज हर इन द फर्स्ट एंड हर कौन है शी वॉच हर back stooped. हर कौन है ये आपको बताना है कॉमेंट में बताओ वॉट डज द फ्रेज रूम वॉ स्टीमी इंडिकेट अबाउट सोफी सोशल स्टेटस रूम वॉ स्टीमी रूम में धुआं भर गया था ये सोफी की सोशल स्टेटस के बारे में क्या दिखा रहा है कि वो बहुत अमीर है मिडिल क्लास है यानी या फिर क्या शो कर रहा है उनके लाइफ के बारे में कि वो कैसी लाइफ जी रहे हैं इकोनॉमिकली क्या शो कर रहा है उनके बारे में उनके स्टेटस के बारे में सोशल स्टेटस और इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में ये बताना है आपको हु इज़ जे ऑफ एंड वॉट डस ही डू क्योंकि लास्ट में गिवन है कि फिर वो कहाँ चली जाती थी गाई जब अपने भाई के कमरे में जाती तो आप बताना जे ऑफ कौन है और वो क्या करता है जे ऑफ एक उसका भाई है उसकी एज बता देना और वो वहाँ अप्रेंटिस मैकेनिक है ये लिख देना वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन कॉन्क्रिटी ये मैंने आपको चैप्टर में समझाया था तो ये आपको लिखना है बहुत इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है अब एग्जाम में हमारे क्या हो रहा है ये चार के साथ में तीन चार भारी भरकम क्वेश्चन और डाल दे रहे हैं ये स्टेटमेंट बेस वाले रिजर्वेशन वाले वो एक सिनेरियो वाले तो उनको भी और प्रैक्टिस कर लेंगे कई धीरे 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 ये पहली एम सी क्यू सीरीज है धीरे धीरे एक दो और करेंगे प्रो हो जाएंगे तो ये आंसर बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चेक कर सकते हो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कमेंट्स में से और मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्लेमिंगो बुक के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू हमने कर लिया अब ये आपकी पहली एमसीक्यू मैराथन सीरीज़ थी बिफोर योर एग्जाम एक और एम सी के सीरीज लेंगे और हम बिल्कुल ही अल्ट्रा प्रोमैक्स वाली हम तैयारी कर लेंगे तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बबाई चिक्रांड बेस्ट ऑफ लक